हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी की हिंदी कक्षाओं में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने हिंदी का पहला टॉपिक वर्ण विचार को डिस्कस किया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था हम हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिन्हें दो वर्गों में डिवाइडेड किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर की परिभाषा यह दी गई थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु स्वतंत्र रूप से आवाद होकर बिना बाधा के मुख से बाहर आए उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे आ आ इ ई उ उ। और व्यंजन की परिभाषा यह थी जो वर्ण स्वर के सहयोग से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण में स्वर का सहयोग रहता है, हेल्प रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि मूल वर्ण मूल स्वर कितने होते हैं, हैं क्या बताया आपने, बिल्कुल सही, चार, आ ई ऊ रेर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मूल वर्ण हमारे कितने हैं, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बता रहे हैं, 44। मूल वर्ण हमारे कितने हैं, 44। और अगर कुल वर्ण पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी होगी, 52। अब उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अल्पप्राण तथा महाप्राण को डिस्कस करते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। चाहे वो बीएड की परीक्षा हो, टैट की परीक्षा हो, सीटैट की परीक्षा हो, वहाँ पर इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। दूसरा अगला जो टॉपिक है जिसे हम लोग अगली वीडियोज में शूट करेंगे, अगली संधि तथा समास, उनमें भी इन चीज़ों का प्रयोग होगा। प्राणत्व, ठीक है, प्राणत्व वायु, प्राणत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण। अब देखिए अल्प का मतलब होता कम। जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु कम हवा का प्रयोग हो, कम शक्ति का प्रयोग हो, कम प्राणत्व का प्रयोग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण, ठीक है। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, आप लिख लीजिएगा, किसी भी वर्ग के ठीक है, पहले तीसरे पांचवें व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां बात हो रही है किसकी, स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी व्यंजन कितने थे, 25, ठीक। कौन से, क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ण ण, त थ द ध न, प फ भ भ म। इसमें से प्रथम तृतीय और पांच, ठीक है, पहले तीसरे पांचवे व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण। आप देखिए खुद से उच्चारण, खुद से कोशिश करके देखिए, आपको अपने आप से क्लियर हो जाए, क क ख ग। देखिए का ख के मुकाबले में, ठीक है, क ख का के का और ख के मुकाबले में ख में ज्यादा वायु का प्रयोग हो रहा है। क ग अण, क ग अण, च ज इय, ट ड अण, त द न, प व म, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण। महाप्राण वह वर्ण होते हैं, वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में, जिनकी ध्वनि में ज्यादा, महा का मतलब ज्यादा प्राण, ज्यादा वायु का प्रयोग हो, ठीक है। कौन कौन से बचे हैं, दूसरा और चौथा। तो किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण, ठीक। अल्पप्राण कौन से हो गए, पहला तीसरा पांचवा,
महाप्राण कौन सा हो गए, दूसरा और चौथा। एक चीज और जोड़नी है, अल्प प्राण में आपको अंतस्थ व्यंजन भी लेने होंगे, अंतस्थ व्यंजन। तो मित्रों जल्दी से बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताए, या रा ला वा, या रा ला वा। क्यों, क्योंकि ये कंठ के नीचे से, इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ के नीचे से निकलती है। तो देखिए पांच तिया 15 और 4 19, अल्प प्राण कितने हुए 19, ठीक है, अल्प प्राण कितने हुए 19। अब हमारे दूसरे कौन से बचते हैं, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कौन से थे, तीनों प्रकार के शा, सा, सा, सा और हा, इनको हम कहां जोड़ लेंगे, महाप्राण में। तो 5 × 2 = 10 और 4 = 14, हमारे महाप्राण कितने हो गए संख्या के आधार पर 14, ठीक है 14। अल्प प्राण कितने हो गए 19, ठीक। अब इसी की तरह एक और टॉपिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं घोष या सघोष और अघोष, ठीक है, वह क्या होते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। हाँ मित्रों, स्वतंत्र के आधार पर, स्वतंत्र के आधार पर वर्ण या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अघोष सघोष, ठीक है। सघोष को घोष भी बोल दिया जाता है, अघोष अगर किसी शब्द के पहले आ लग गया है तो इसका अर्थ होता है नहीं, अगर किसी शब्द से पहले आ लगा हुआ है तो इसका अर्थ होगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो घोष नहीं, अगर किसी व्यंजन के उच्चारण में बोलते समय, ठीक है, स्वर तंत्रिकाएं इतनी दूर दूर हो जाती हैं, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं इतनी दूर दूर हट जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं कि वायु बिना कंपन के, वायु बिना कंपन के, ठीक है, मुख से बाहर निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, अघोष। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष व्यंजन होता है। वर्ग कौन से, अभी मैंने आपको बताया था क ख ग घ, तो इसमें पहला क और ख ये क्या होंगे, अघोष। च छ अघोष, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा। अब इसमें हम उष्ण व्यंजन भी ले लेंगे, मगर उष्ण व्यंजन लेते समय आपको ध्यान रखना होगा, उष्ण व्यंजन में तीनों सा, स, स, स और ह, तो ह जो है वो अघोष में नहीं आता है, हा जो है वो अघोष में नहीं आता है, ये अपने ग्रुप को छोड़ देता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं, सघोष या घोष, ठीक है, इसकी परिभाषा यह है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं इतनी पास पास आ जाती हैं कि वायु या ध्वनि कंपन करती हुए, ठीक है, कंपन करती हुए बाहर आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। अब देखिए पहला और दूसरा वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा हमने कहां ले लिया, अघोष में। अब कौन से बचे हैं, तीसरा चौथा और पांचवा, तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन कौन सा व्यंजन है, घोष या सघोष व्यंजन है, और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, य र ल व और हा। हा कहाँ था, उष्ण में, मगर घोष और अघोष में इसने अपने साथियों को छोड़कर कहाँ चला आया, अंतस्थ व्यंजनों के साथ मिलकर कहाँ चला गया, सघोष में। जब हम हा का उच्चारण करते हैं तो वायु या ध्वनि जो है वो कैसी आती है, कंपन करती हुई आती है, इसलिए कैसा है, सघोष व्यंजन। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, जिन स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर
ठीक है, कंपन के आधार पर व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, अघोष सघोष। अघोष कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में वायु बिना अवरोध के पूरी, बिना अवरोध के मुख से बाहर आ है, जैसे किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों सा, सा शरीफा, सा संतरा और सा षटकोण। ठीक है, सघोष कौन से होते हैं? जिनमें वायु कंपन करती हुई मुख से बाहर आए, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह। क्योंकि ह यहाँ पर उष्ण व्यंजनों के साथ ना जाकर सघोष वर्ग में आ गया है। इन चीजों को अगर आपने क्लियर कर लिया, यहाँ पर आपको अच्छे से पकड़ हो गई, तो ध्यान रखिएगा व्यंजन संधि में आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। आने वाली परीक्षाओं में आप इस वीडियो का प्रयोग करके ठीक है लाभ उठाएंगे। प्रयाग सिविल एकेडमी की तरफ से आप सबका धन्यवाद।